हेलो एवरीवन आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम के इवोल्यूशन या विकास क्रम को अलग अलग युगों यानी एराज में विभाजित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक में वर्कफोर्स के मैनेजमेंट के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अलग अलग अप्रोचेज हैं एच के विकास क्रम को टोटल आठ भागों में डिवाइड किया गया है जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा ह्यूमन रिलेशन एरा बिहेवियरल साइंस एरा सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच एरा एंड फाइनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा इन एरास के मेन फीचर्स और टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस को समझने के लिए किस तरीके से इसमें ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रैक्टिस हैं वो डेवलप होना शुरू हुई सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा जिसका टाइम पीरियड नाइनटीन सेंचुरी माना जाता है एच आर एम के सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की शुरुआत इसी टाइम पीरियड से मानी जाती है एट्टीन फिफ्टी के आसपास वेस्टर्न यूरोप एंड यू एस ए में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई इससे पहले तक वर्कर्स अपनी अपनी लोकेशंस पर छोटे छोटे मार्केट में अपनी स्किल्स प्रोवाइड करते थे जिसे कॉटे सिस्टम कहा जाता था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ ही लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को लेकर एक बड़े फैक्ट्री लेवल पर कार्यों की शुरुआत हुई प्रोडक्शन प्रोसेस में नई नई मशीनरी मैनुअल एनर्जी के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी का यूज शुरू हुआ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ने एक साथ एक लोकेशन पर कार्य करने की शुरुआत करी जिससे उनको अपनी अपनी लोकेशन से एक कॉमन प्लेस यानी कि फैक्ट्री लोकेशन पर माइग्रेट होना पड़ा चूंकि फैक्ट्री लेवल पर वर्कर्स काफ़ी संख्या में होते थे जिस वजह से फैक्ट्री ओनर्स का वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था सो so, इन वर्कर्स को मैनेज करने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टाइम पर मेनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तीन फंक्शंस की शुरुआत हुई पहला था रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर दूसरा था ट्रेनिंग ऑफ वर्कर एंड थर्ड वन वॉज कंट्रोल ऑफ वर्कर वर्कर्स को मैनेज करने की जो अप्रोच उस समय पर अप्लाई होती थी वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप पर ही बेस्ड थी अब हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा की आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा की शुरुआत हुई क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एक साथ काम करने लगे थे इंटरेक्ट करते थे डे टू डे लाइफ में सो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रुप फार्मुलेट करना एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया जिन्हें आगे ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाने लगा इन एसोसिएशन्स का मोटिव मेंबर्स के हितों की सुरक्षा करना था एंड जो चाइल्ड लेबर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क एंड पुअर वर्किंग कंडीशन जैसे एक्सप्लाइटेशन से बचाव करना था धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम वेज रिलेटेड इश्यूज एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज आदि इश्यूज भी इनके उद्देश्यों में इनके मोटिव्स में शामिल होते चले गए अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए वर्कर्स यूनियन ने स्ट्राइक्स स्लो डाउंस वॉकआउट्स बॉयकआउट्स आदि का सहारा लेना शुरू कर दिया इन सब प्रॉब्लम्स को फेस एंड सॉल्व करने के लिए फैक्ट्री ओनर्स एंड मैनेजर्स ने कुछ नई एक्टिविटीज़ कुछ नए सिस्टम्स अडॉप्ट करना शुरू किया जैसे एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसिस को हैंडलिंग करने का सिस्टम सेकेंड डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस की शुरुआत हॉलीडेज एंड वेकेशन टाइम से रिलेटेड सिस्टम सीनियरिटी के आधार पर जॉब राइट्स प्रोवाइड करना ओनर्स मैनेजर्स एंड वर्कर्स के मध्य कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन सिस्टम की शुरुआत करना इंप्लाई बेनिफिट प्रोग्राम का सिस्टम बनाना जॉब ड्यूटीज़ को क्लियरली डिफाइन करना शुरू कर दिया उन्होंने एंड रेशनल एंड डिफेंसिव वेस स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करना शुरू किया तो एच में आज हम जो कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिस यूज़ करते हैं उनकी शुरुआत और रिफाइनमेंट इस समय तक शुरू हो चुका था ट्रेड यूनियन एरा के बाद एचआरएम डेवलपमेंट में जिस एरा की शुरुआत हुई वो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा इसका समय ट्वेंटियथ सेंचुरी के आसपास माना जाता है इस समय फैक्ट्री ओनर्स ने मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एंड नेगोशिएशंस बारगेनिंग आर्बिट्रेशन से आगे बढ़कर वर्कर के साथ मोर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को यूज करना शुरू किया जिसको पैटर्नलिस्टिक अप्रोच भी कहा गया यानी वर्कर्स को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करना उसकी नेसेसिटीज उसकी रिक्वायरमेंट उसकी वेलबींग well का ध्यान रखना तथा जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह बिहेव करने की जो अवधारणा थी अप्रोच थी उसकी शुरुआत हुई जिस वजह से एच के डेवलपमेंट में कई न्यू माइल स्टोन हुए जैसे रिड्यूस नंबर ऑफ वर्क आवर्स इम्प्रूव फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस मॉडल विलेजेस टू वर्कर्स एक्सेट्रा इस तरीके से लेबर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सोशल वेलफेयर की शुरुआत हुई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा के टाइम पर ही साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा की भी शुरुआत हुई ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआत में ही एफ डब्ल्यू टेलर ने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक बेस्ट वे क्या हो सकता है इस दिशा में रिसर्चे स्टार्ट की एंड अपनी फाइंडिंग्स को उन्होंने अपनी बुक साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोवाइड किया उन्होंने वर्कर्स को साइंटिफिकली मैनेज करने के तरीके बताए जैसे मैनेजर्स को साइंटिफिकली प्रोसेस करनी चाहिए ना कि रूल ऑफ थम को फॉलो करना चाहिए यानी कि जो चलता आ रहा है वही सही है उसी को फॉलो करना है ऐसा नहीं होना चाहिए काम करने के तरीकों में साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए द सेकेंड पॉइंट वॉज वर्कर्स को मैनेज करने के लिए हारमोनियस रिलेशन मेंटेन करने हैं कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना होता है नेक्स्ट पॉइंट वॉज इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑपरेशन की प्रैक्टिस को फॉलो करना होगा फोर्थ पॉइंट वॉज मैनेजमेंट को प्रत्येक वर्कर के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है टेलर ने वर्कर्स को साइंटिफिकली मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स भी बताई जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप स्टैंडर्डाइजेशन सिम्प्लीफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम सो टेलर के वर्कफोर्स को मैनेज करने के दिए हुए सिद्धांतों टेक्निक्स के यूज के आधार पर साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा में एचआरएम की नई अप्रोचेस एंड फंक्शंस का डेवलपमेंट हुआ इसके बाद जो समय था उसे ह्यूमन रिलेशंस एरा के नाम से जाना जाता है ह्यूमन रिलेशंस एरा के डेवलपमेंट के पीछे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एरा जो कि काफ़ी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए था काफ़ी योगदान रहा उसका हुगो मंस्टरबर्ग ने अपनी बुक साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी में इंडिविजुअल्स के इंटरव्यू टाइमिंग पर टेस्टिंग टाइम पर एटीट्यूड मेजरमेंट के समय पर एंड उनकी लर्निंग में साइकोलॉजी के यूज़ को सजेस्ट किया इन विचारों से प्रभावित होकर उस समय के मैनेजमेंट रिसर्चर्स स्कॉलर्स ने वर्क प्लेस पर ह्यूमन फैक्टर्स पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया तथा पता करने की कोशिश की कि वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं इसी क्रम में 1924 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएसए के कुछ प्रोफेसर्स ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी शिकागो के हॉथॉन प्लांट पर एक इंक्वायरी शुरू की जिसका उद्देश्य ह्यूमन आस्पेक्ट ऑफ वर्क एंड वर्किंग कंडीशंस का ह्यूमन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना स्टडी करना था ये रिसर्चेस 1924 से 1932 तक की गई और कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजनस निकाले गए कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में वर्कफोर्स के सोशल फैक्टर्स ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप इन्फ्लुएंस सुपरवाइजर की लीडरशिप क्वालिटी एंड नेचर एंड कम्युनिकेशन ये फैक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं सो इन रिसर्स की फाइंडिंग से ये पता किया गया कि यदि मैनेजमेंट बेटर प्रोडक्टिविटी चाहता है तो उसे वर्क प्लेस की फिजिकल कंडीशंस के साथ साथ ह्यूमन रिलेशंस पर भी फोकस करना होगा सो इन फाइंडिंग ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में सोशल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ग्रुप इन्फ्लुएंस एंड नॉन लॉजिकल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को एंटर किया ह्यूमन रिलेशन्स एरा के बाद का समय बिहेवियरल साइंस एरा के रूप में जाना जाता है बिहेवियरल साइंस साइंसारा ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड ना होकर गोल एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड था न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बजाय न्यू इंसाइट्स पर फोकस किया गया ह्यूमन रिसोर्स मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया गया इस टाइम पीरियड में जो न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हुए वो थे टू वे कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग में इंप्लॉयिज़ का पार्टिसिपेशन ज्वाइंट गोल सेटिंग एंड ग्रुप डायनेमिक्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। सो इस समय पर प्रोवाइड किए गए ये कॉन्सेप्ट्स आज भी एचआरएम की बिहेवियरल अप्रोच की बैकबोन का काम करते हैं बिहेवियरल साइंस एरा के बाद सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच एरा की शुरुआत हुई प्रेजेंट एरा में सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच थिंकर्स के लिए मैक्सिमम अटेंशन का विषय है ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो एचआर मैनेजमेंट के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा का यूज करती है प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज करती है यानी ये अप्रोच मैनेजमेंट के लिए म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स के सिमुलेशंस वेरिएशंस का यूज करके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द कंटिजेंसी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन निकालने का प्रयास करती है सिस्टम एंड कंटिजेंसी एरा के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा इवॉल्व हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर फैक्ट्री सिस्टम में रिक्रूटिंग वर्कफोर्स को हैंडल करने के लिए ज़्यादातर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई थी जैसे जैसे लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती चली गई वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट का स्कोप भी और बढ़ता गया और इस अम्ब्रेला में सुपरवाइजरी स्टाफ एंड मैनेजरियल पर्सनल्स भी शामिल कर दिए गए तथा तो अब इसको पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाने लगा समय के साथ साथ इंडिविजुअल्स को मैनेज करने की अप्रोचेज में बदलाव हुआ सुधार हुआ इम्प्रूवमेंट हुआ रिफाइनमेंट हुआ जिसके फलस्वरूप इंडिविजुअल्स को मात्र प्रोडक्शन का एक माध्यम न मानकर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस का प्राइम सोर्स माना जाने लगा था उनके सोशियोसाइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को मान्यता एंड इम्पोर्टेंस दी गई कॉन्टेप्री व्यूज को सिद्ध करने के लिए कई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने पर्सनल डेवलपमेंट को एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कन्वर्ट कर दिया अमेरिकन सोसाइटी फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, की फील्ड में लार्जेस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन थी उसने भी

टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेलाइकन को क्लिक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग